घबराना मन, एक क्वेश्चन पूछ लूं, मार मुझे तो नहीं सर, एक दिन में सर एक टाइम में कितनी रोटी खा लेते हो? चिकन मेरा बहुत फेवरेट है, दुनिया में पता नहीं कितने चिकन खाए होंगे आज तक। आज थाली का नाम चेंज हो गया है, थाल, ग्रेट खाली थाल। की जब आप रेसलिंग करने से पहले कौन सा फूड खाते थे सर, और जब आप जीत जाते थे उसके बाद कौन सा फूड खाते हैं सर, एक बार बता दो, पर्दा उठा दो इस बात के। हो, आज से नाम चेंज हो गया है बस। ये इन्होंने नाम रखा है, नाम मेरे को अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा। क्या बात है, ये देख लो इंटरनेशनल प्लेयर हम। नहीं नहीं सर, कस्टमर नहीं है। आपने कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना, आपने यूट्यूबर स्टार बनना है। क्या बात है सर, ये देखो सर, मेरे को अभी भी सपना लग रहा है, एक बारी मैं आपको पिंच करके देख लूं। कि आज मैं आपको बताता हूं कि आप बहुत अच्छे यूट्यूब स्टार बनेंगे। क्या आवाज है सर, H&B स्ट्रीट फूड, आप सब्सक्राइब करिए। सर की जितनी उंगली मेरा डोला नहीं है इतना। ये बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत एक जेन्युइन और अच्छे खाने की बहुत कदर करते हैं। हाँ जी नमस्कार खली सर, कैसे हैं जी? सर हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार ना, जब भी किसी बड़े से मिलते हैं जी, उनको पैर छू कर नमस्कार किया जाता है। मैं तो आपको सर लेट कर नमस्कार करूंगा सर, कैसे हैं जी? ये तो भाई साहब सपना पूरा हो गया सर, अलग ही दीवानगी मचा रखी नेक्स्ट लेवल की सर। जो भी इस हाईवे से निकल रहे जी, सीधा यहाँ पर अटेंडेंस दे रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे देते ना अटेंडेंस स्कूल के, सारे खाई जा रहे हैं, आ ही आ रहे हैं सर, ऐसी कौन सी दीवानगी मचा रखी है आपने? देखो ये लोगों का प्यार है जी, मतलब लोगों का प्यार है, मतलब ये तो मैं बहुत खुशकिस्मत का हूँ, जो लोग इतना प्यार करते हैं और सेल्फी खिंचा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज की डेट पे सब लोग हीरो है जी, किसी से कोई कम नहीं है, अपने आप को सब लोग सेलिब्रिटी समझते हैं जी। तो मैं उनमें से बहुत लक्की बंदा हूँ जो जिनको इतना प्यार करते हैं, दिलो प्यार करते हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, चाहे बूढ़ा है, चाहे बच्चा है, चाहे जवान है। सर कुछ ऐसा जादू तो मिलाते होंगे खाने में आप, हमें स्पेशल बता दो, मैं कैमरा बंद करवा दूंगा जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पता क्या है, प्यार है जी आपका। देखो हमारा एक विजन है कि भी जो जितने भी हाईवे पर निकलते हैं उनको एक अच्छा का हाइजीनिक खाना दे, फूड पॉइजन ना हो, और हाइजीनिक खाना दे, घर जैसा, बिल्कुल जैसा घर जैसा है, ऐसा टेस्ट हो और घर जैसा माहौल हो। जब मैं थोड़ा हॉल पे अंदर आता हूँ फिर थोड़ा माहौल बिगड़ता है जी, और बाकी तो थोड़ा बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है। बड़ा दिलों की ना धड़कने मेरी तेज हो रही है सर, मैं बड़ा घबरा रहा था, मैंने कहा खली सर से पहली बार जिंदगी मेरी, तो कुछ तो मैं आई थी, मैं पहली बार हूँगा जो आपसे मिलने जा रहा हूँ जी। और सर आपको मैं स्माइल देख के ना सर बड़ा, मतलब जो मैं इतनी दूर से आया ना आपको स्पेशल मिले, आपने स्माइल दी सर, वो स्माइल देख के ना सर मेरा बस जिंदगी पूरी होगी जी। क्या बात है भाई साहब, गलत खाने से दूर रहो, गलत खाना ना खाओ, अच्छा खाना खाओ, और ताकि मतलब आप हेल्थी बन सके, आप पॉजिटिव सोच सके, पॉजिटिव देख सके, पॉजिटिव आप एनर्जी हुए, ताकि तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा जी। जी सर, जो ये जो प्लेट देख रहे हैं ना, अगर मैं आम ढाबे में जाता हूँ सर, इतनी तो थाली होती है, यहाँ तो इतना तो सैलेड है सर हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं सोचता हूँ कि मतलब एक कस्टमर को है अच्छा खाना दिया जाए, ताकि पूरा फैमिली मतलब खा सके। अगर आप ये देखेंगे ये ग्रेट खाली थाली में, क्या बात है भाई साहब, ये तो सर के आगे छोटी लग रही है। ओ भाई साहब ग्रेट खाली थाली, सर ये थाली नहीं है जी, थाल है जी, ग्रेट खाली थाल है, ग्रेट खाली थाल है दोस्तों ये। हाँ जी, और जैसे इसमें घी है, खीर है, और दही है, रायता है, और ये गुलाब जामुन है, राइस है, पुलाव है, दाल है, दाल मखनी होगी, और ये चने हो गए, और ये मिक्स वेज हो गए, पनीर पनीर मिक्स है, मतलब ब्रेड की भी काफी वैरायटी है जी। सर हम नॉन वेज के भी बड़े दीवाने हैं, शौकीन है मतलब खाने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऑडियंस जानना चाहती है, आप नॉन वेज में कौन कौन सी आइटम प्रेफर करते हैं जो खाते हैं आपने, जो मैं देखो जो मोस्टली मैं जब बाहर रेसलिंग करता था उस टाइम बहुत चिकन खाता था मैं जी, जी, जी। और उस टाइम चिकन में भून के खाता था जी, जी। और जो ये लेग पीस होते हैं उसको ग्रिल पे रख के ऐसे खाता था जी। उसको ग्रिल करके सारा जो फैट होती है निकल जाती थी, और बिल्कुल एक ड्राई बनते थे और बहुत टेस्टी बनते थे। पर क्योंकि जो मेरे को जंक फूड मेरे को पसंद नहीं है, कई बार होता जो चिकन पे भी फैट होती है तो फैट सारी निकलती थी जी जी। और आपने देखा होना शायद, नहीं देखा होना, देखा बचपन से फॉलो कर रहे जो ग्रिल है ना, ग्रिल को दबा के और जो उसकी फैट है निकल जानी है, और सारा वो ग्रिल होना है, और इतना टेस्टी बनता था,
और जूसेस में पकता है सर वो, हाँ, जैसे आप बनाते रहे बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, जी, बिल्कुल, हाँ, तो सर आप बता नहीं रहे कौन सा बेस्ट आपको लगता है, चिकन अंडा नॉन वेज में या मटन हो गया? देखो चिकन, चिकन मेरा बहुत फेवरेट है, क्या बात, लेग पीस में बहुत फेवरेट आइटम है, दुनिया में पता नहीं कितने चिकन खाए होंगे आज तक, तो बहुत सारे चिकन खाए हैं और मैं, लेकिन अब मैं थोड़ा कम खाता हूँ चिकन, अब मैं वेज ही ज्यादा खाता हूँ चिकन, क्योंकि हमारा जो बाहर है ना बाहर साइड चिकन का भी है हमारा, पर लेकिन मैं बहुत कम खाता हूँ, पहले खाते थे जब आप रेसलिंग करते, रेसलिंग करते थे उस टाइम ज्यादा खाता था, अभी मैं बहुत कम डाइट करी है, खास करके वेजी पे ध्यान देता हूँ मैं, क्योंकि जब वो आपने कुछ ज्यादा नहीं कुछ करना जी, तो आपको ज्यादा डाइट भी नहीं खानी चाहिए, ज्यादा डाइट भी नहीं खानी चाहिए, उतनी डाइट खानी चाहिए जितनी आप इजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं ताकि आप हेल्थी रह सकें। रोटी में अभी तो 5-6 खाता हूँ, अभी ज्यादा नहीं, 5-6 तो सर मैं भी खा लेता हूँ, आपके जैसे नहीं है, अंडे भी तो खाता हूँ मैं, 20-25 अंडे भी खाता हूँ मैं, और 2 किलो दूध पीता हूँ मैं, क्या बात, तो अभी तो ये वेजिटेरियन लोगों के लिए भाई साहब, खाली सर दूध पीते हैं 2 लीटर, 25-26 अंडे खा लेते सर, अंडे 25-26 तो खा ही लेते हैं, वो जो जर्दी है वो निकाल लेते हैं, जस्ट एग वाइट खाता हूँ और सैलड जी, और ये चीज़ें मैं ज़्यादा खाता हूँ, और दूसरा बादाम हो गया, अखरोट हो गए, काजू हो गए, ये मतलब ये चीज़ें मैं लोग खाता हूँ। तो सर ये एक क्वेश्चन मेरा था, बड़ा माइंड से मैं सोचता आ रहा था कि सर आपको हम बचपन से फॉलो कर रहे हैं जी, कि जब आप रेसलिंग करने से पहले कौन सा फूड खाते थे सर, और जब आप जीत जाते थे उसके बाद कौन सा फूड खाते थे सर, एक बार बता दो, पर्दा उठा दो इस बात के ऊपर। देखो मैं आप मजाक समझेंगे, जब नहीं सर मजाक नहीं समझेंगे, जब मैं 94 पे पंजाब पुलिस पे आया था जी जी जी, तो हमारे पास ना खाने को मतलब फ्रूट और चिकन नहीं होता था जी, जी, जी। जो मैस की रोटी थी ना, मैस की रोटी, हाँ जी, हाँ जी, मैस की रोटी, देखी रोटी, हाँ जी, खाई है जी, जो रंग रूट खाते, तो मैं इतनी इतनी खाता था, क्या वो गिनती की कोई ये नहीं होती थी, क्योंकि सर उस टाइम डाइट इतनी होती नहीं थी, हाँ डाइट और कुछ नहीं खाते थे, रोटी खाते थे दाल का डोल्लू भर के और वो खाता था, तो हम सोचते और एक्सरसाइज बड़ी करते थे, तो हम बोलते थे, मैंने कहा यार जो ये मैस की रोटी यार बोलेंगे ना कल को कुछ बन गए, उस टाइम पता नहीं था कि क्या बनेंगे, पर सोचते अगर कल को कुछ बन गए हम तो उसका नाम जरूर लेंगे, तो हम बोलेंगे यार कहाँ क्या, जब लोग बोलेंगे भी क्या खाते थे, तो हम बोलेंगे मैस की रोटी, मैस की रोटी, तो उस टाइम थोड़ा मजाक सा एक मजाक सा लगता था, पर लेकिन मैं बोलता हूँ कि भाई वो खाना पीना उतना मैटर नहीं करता, खाना मैटर नहीं करता, आप तो मैटर करता कि आप मतलब मेहनत क्या करते हैं, क्योंकि हमने मैंने ना रात देखा ना दिन देखा जी जी सर, कि दो जून जुलाई पे मतलब इतनी रनिंग करी मैंने, दोपहर को सुबह शाम पूरे दिन पर ग्राउंड पे पूरा पसीने से नीचे तक भीगा होता था, शरीर तो डाइट तो मांगे, हाँ, तभी तो आप डाइट तो खाते मैं रोटी खाता था, रोटी से ही मैं इतना मतलब एक स्ट्रॉन्ग था, जब उसके बाद हम WWE में गए तो वहाँ फिर जैसे उधर नखरे बढ़ जाते तो वहाँ चिकन खाने लग गए, फाइट से पहले पहले भी चिकन खाते थे, बाद में जब फाइट जीत के तो मतलब वहाँ खाना ही चिकन है, चिकन है हर रोज, कोई ऐसा नहीं कि आज स्पेशल चिकन खाना है, वहाँ तो है ही चिकन है, सारा चिकन है, सुबह उठते ही आप चिकन स्टार्ट करो, पर लेकिन उसके साथ साथ मेहनत भी होनी चाहिए सर, अभी विश्वास नहीं हो रहा सर, वैसे आप इतने नॉर्मल मतलब सर इंटरनेशनल खिलाड़ी से मिलने जाऊंगा मैं सर, मेरे हाथ पैर कांप रहे, पर आपके साथ बातें करके ना सर आपने बड़ा कंफर्टेबल जोन में ले आए मुझे सर, सर बड़े डाउन टू अर्थ हैं सर आप, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं मिलो जी, अगर आपने लॉन्ग टाइम चलना है जी तो आपको ग्राउंड से जुड़ा रहना पड़ेगा जी जी, अगर आप हवा पे उड़ेंगे जी, 4 दिन आप 4 दिन के बोलते ना 4 दिन की चांदनी, तो उसके बाद क्या है कि 5-6-10 साल के बाद बंदा गायब होता है, गायब होता है सर, मेरे को अभी भी सपना लग रहा है, एक बार मैं आपको चुटी पिंच करके देख लूं कि मैं, मेरा सपना तो नहीं है कहीं, ये रियलिटी है, झूठा सर करके देख लूं एक बार, ये देखिए सर खाली सर के साथ मैं अभी भी हूँ, और सर एक बार आप मुझे भी पिंच करके दिखा दो सर एक बार कैमरे में, ये देखो सर पिंच कर रहे, पिंच, ओ भाई साहब सर सर सॉरी सॉरी, चुटकी थी मेरी सर का चुटका था भाई साहब, ये देख लो इतना सर चुटका था सर की जितनी उंगली है मेरा डोला नहीं है इतना सर, एक बार मुझे बता दीजिए, अगर आपके जैसे तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा उस लेवल में, अगर थोड़ी मेंटेन रखना, थोड़ी मैं बॉडी बनाना चाहता हूँ तो क्या डाइट खाऊं सर मैं, अगर यूथ भी देख रहा सारा, अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं शरीर को जी, तो एक तो आप डेली एक्सरसाइज करो जी, डाइट मैं नहीं बोलूंगा कि आप इतना चिकन खाओ, इतना आप ये खाओ, अंडे खाओ, नॉर्मल डाइट खाओ आप, आपने कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना जी, आपने
यूट्यूबर स्टार बनना है। क्या बात है सर, ये और क्या बात है सर। आज मैं आपको बताता हूँ कि आप बहुत अच्छे यूट्यूब स्टार बनेंगे। क्या बात है सर। और बस आप बॉडी को बस फिट रखो, दो टाइम एक्सरसाइज जरूर करो, दो टाइम एक्सरसाइज करो, और जो आपका दिल करता है वो खाओ। मैं नहीं बोलूंगा कि कुछ खाओ, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ जी। जो आपका दिल करता है वो खाओ, पर ज्यादा नहीं खाना, ज्यादा नहीं खाना, ज्यादा नहीं खाना, एक्सेस नहीं खाना, निमित का खाना है जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो आप। सर थैंक यू सर, सर थोड़ी खाना ग्रहण करिए जी, आप ही का ढाबा है सर, क्या खाएंगे आप बताइए। आप खाना अपने ढाबे का तो रोज खाते रहते हैं, आज जैकी के हाथों से भी खा लीजिए थोड़ा सा। खाली तो नहीं आ रहा। प्रेफर कहाँ से करेंगे सर सबसे पहले आप? मैं दाल ले लूँगा। आप दाल लेंगे जी, देसी बंदे हैं सर आप? देसी बंदे इसी तरीके से खाते हैं जी। क्या करें बंदे यार, ये देसी बंदे होली पे मेरा हाथ ही नहीं फंसेगा। हाँ जी, इसलिए मैं इसमें डाल रहा हूँ। खराब भी लो ना आप। हाँ जी सर, लेते हैं जी। हाँ जी लेते हैं जी, आप रोटी लीजिए आप, कोई बात नहीं, आप खाइए जी खाइए। हाँ जी चलो थोड़ी सी यही दे दीजिए दाल ही, मैं आपके साथ दाल खाऊंगा देसी बंदा मैं भी। नहीं सर, अरे क्या बात है, ये देख लो इंटरनेशनल प्लेयर हम। नहीं नहीं सर, कस्टमर नहीं है, ये थाल का खाना खा रहा हूँ सर, ये पेटेंट हो गया, अब थाल ले जाएगी, ये थाली नहीं है जी। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू जी। ये लो जी, मैं खली सर के साथ खाना खा रहा हूँ, थोड़ी अब हमें इजाज़त दीजिए। मैं कैमरे में बड़ा घबरा रहा हूँ सर के आगे, इसलिए मैं खाना खाता सर क्या। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, दबा के खली सर हमारे साथ बैठे हैं जी, ठीक है, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं जी। सबक है H&B स्ट्रीट फूड, आप सब्सक्राइब करिए और अच्छी अच्छी वीडियो देखिए, और ये बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत एक जेन्युइन और अच्छे खाने की बहुत कदर करते हैं। सो मैं इनका थैंक्स करना चाहूंगा कि ग्रेट खली ढाबे पे आए हैं और उन्हें कवर किया है, और बड़ा अच्छी मतलब ग्रेट खली थाली बनूंगा। मैंने सर को बोल दिया थाली नहीं है, थाल है सर, ये खली सर की थाली, आज थाली का नाम चेंज हो गया है, थाल, ग्रेट खाली थाल, तो से नाम चेंज हो गया बस। ये इन्होंने मतलब नाम रखा है, सो इस नाम मेरे को मैं अच्छा लगा है, बिल्कुल अच्छा लगा, और इसको मैं पैटर्न रखूंगा ग्रेट खाली थाल। सर बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके सर, आपने हमें टाइम दिया सर, इस योग्य समझा सर, आपने इनवाइट करा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। छोटे भाई हाँ जी, क्या बात है सर, एनी टाइम आ सकते हैं। क्या बात है, देख लो खली सर का दिल है इतना बड़ा,